चाची सवेरे सवेरे धरफरल कहाँ जा रही है पौने 7 बजे? अखनी न रुकबो, अखनी जा छे खेत में ओरिया छिटेला। विनीत बुआ के कल पानी पटा कर रखेला, तो पानी पटेल होथिन, आबे तब बात करिय। कते दिन हो गन गेहूं रोपला जे धरफरल जा रही है? विनीत बुआ पहले ही बतैले रहखिन, 15 नवंबर से पहले ही गहूम हम तो बाग कैले रही, 60-70 दिन गहूम बाग कला हो गए। हमू तो अहाँ से 1-2 दिन आगे पीछे रोपलिए हन। खेत पर चलिए, हुए बात हो जते या हम अपन खाद छीट ले। ठीक है चाची, हमू चला ही अहे के साथ खेतो देख ले आ बातो कर ले। चला कन्या। आ गेल हो दीदी, सही समय पर हमसे चाय कर देलिए, यूरिया लगा लगा छीट ना ला। हाँ हाँ, आ गेलिए खाद लेकर, छीटे के है छीट दे छिए। हमहू तो 15 नंबर से पहले ही गेहूँ के रोपाई के लिए हन, ताकि हमरो गेहूँ तैयार हो जाते, पछिया हवा के मार से बचियो जाते। अच्छा उजा ले, 15 नंबर से पहले तो बाग करबे करे गेल हो, 21-22 दिन में पानी देवे कल हो, 21 दिन में पानी दिया से जड़ मजबूत है, कल्ला ज्यादा दे। एहे ला तो 21 दिन पर सिंचाई करबे करिए। तब तो शीला दीदी के खेत की तरह हमरो भी हो गए 60-65 दिन के तैयार गेहूँ रोपाई के, तो हमरो खाद पानी दे के पड़ते की? तो 60-65 दिन के लिए आप तो पानी और यूरिया तो दे ही के ना होता है, तो इससे उपज तो ज्यादा होबे ना करता है। अच्छा फसल उपज के लिए आरो की अच्छा से करे के चाहिए? कि 15 नंबर से पहले अगर बाग कलो हन तो 5 सिंचाई करे के, पहला 21 दिन पर, दूसरा 45 दिन पर, तीसरा 65 दिन, चौथा 85 दिन और पांचवा 105 दिन पर। अच्छा उपज के लेल 5 सिंचाई करे के पड़ता है। 15 नंबर से पहले अगर बात कर ली हन तो 5 सिंचाई जरूर करे के, लेकिन अगर नहीं पार लगे तो पहला सिंचाई 21 दिन पर और दूसरा 60-65 दिन पर करे के। सिंचाई के साथ साथ एक बात पर विशेष ध्यान देना है कि सही समय से और सही तरीका से खाद का प्रयोग करना, जिससे उपज ज्यादा होगा। एकर मतलब ये होल कि सिंचाई के साथ साथ खाद के प्रयोग समय से और तरीका से करे के होता है। ठीक कल हो जो बुआ बता दिल हो, समय पर जो खाद गिरबे के बात करे रहथिन, वो नया बात है कि? ये कोनो नया बात नहीं है। खाद डाले खानी कोई सावधानियों में है करे के? खाद दे समय में थोड़ा सा सावधानी रखे पर ज्यादा लाभ मिल सके है। थोड़ा विस्तार में बताइए जो हम समझ जाइए। गेहूं में खाद सिंचाई के बाद ही डालना चाहिए, जब चलने लायक खेत हो जाए तब, और सुबह और शाम ही डालना चाहिए, जो कि पोषक तत्व उसका नष्ट नहीं होगा और भरपूर गेहूं को लाभ मिल सकेगा। जमीन चल लायक हो जाता है तो घर में धसते तब खाद पड़ता है, अन्यथा फसलों नुकसान हो जाए, चलने नहीं बनता है। थोड़ा सा सावधानी से लाभ ले सकल हो। अच्छा उपाय बतेलखिन, अच्छा फसल उपजे के लिए बात तो बता दिल हो, खाद कब कब डलता है से बता दो। सुना, पहला खाद 21-25 दिन पर डाला गया है, लेकिन उस समय में पौधा छोट हो है, तो सूरज के रोशनी धरती पर डायरेक्ट पड़े है, तो खाद का पोषक तत्व तो नुकसान हो जाते। अच्छा, सूरज के प्रकाश में खाद का जरूरी तत्व नष्ट हो जाए है। आई लेल पहला छिड़का यूरिया के सुबह 9 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद करे के है। कर मतलब ये होला कि जे 21 दिन के जे गेहूं रहे छे ओई में मतलब 9 बजे से पहले आने ते 5 बजे के बाद यूरिया के छिड़काव करल जाए, ताकि सूरज के रोशनी से खाद के जरूरी तत्व जे है से नष्ट ना हो आ पौधा के ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अब समझ आ गेलो ना? अच्छा, हम तो समझ गेलिए, पहली बार खाद के प्रयोग 21-25 दिन में डाले के। दोसर बार खाद कब डाले के है? जब गेहूँ बाल दे वाला हो सिंचाई क खाद दे के चाहे, कि गेहूँ में ज्यादा खाद के जरूरत यूरिया के जरूरत पड़े। कहीं कहीं खेत में पर्याप्त नमी रहे है तो किसान भाई बहन दुए बार सिंचाई करे हथिन। अगर खेत में नमी है तो हल्का सिंचाई करके खाद डाल दे के है, जैसे कि धरती में खाद मिल जाता है और पौधा का भरपूर फायदा मिलता है। अच्छा ये बताबू, इस समय सिंचाई करे से की फायदा हो? आई समय में सिंचाई खाद दे से बाल नम्बर होता है, बाल नम्बर होते दाना ज्यादा होबे करते, दाना ज्यादा होते तो उपजा बेसी होबे करते। अच्छा से बस है, कुछ कुछ किसान तो दुए सिंचाई करे छिन, पानी के कोई साधन न है, तो एहन समय में वो की करता थिन?
जहाँ पर किसान दुइये को पानी पटवे तहाँ दुनू पानी के साथ दुनू बेर खाद देना जरूरी है ओ सुबह शाम करे के। अच्छा हम समझ गेलिए, पहला खाद के प्रयोग सुबह 9 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद करे के, दूसरा खाद के प्रयोग सुबह 11 बजे से पहले शाम 5 बजे के बाद करे के। उसब तो ठीक है, खाद के मात्रा प्रति कट्ठा कितना दे के पड़ते? खाद का मात्रा 2 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से हो के चाहिए। 165 दिन के हो गए पौधा, गहूम अब घोघा गई है, एक पानी के खाद के बहुत जरूरी है। अब तोरा समझ हो गलो है, अब अपना खेत में तू खाद पानी दे ले। ये सब काम तो पहले से करबे करत रहिए, सही समय पर करे के लिए बतेलखिन हम। बिल्कुल सब जब समझ गेल हो, समय समय पर सब कुछ तू अपन कर ली है। चलो भौजी अब यूरिया के छिड़काव कर लिए। चलो छिड़काव कर ल। तो समझिए गेलिए गेहूं के उपज बढ़ावे के लिए की करे के है, तोर और के ये बात समझा दहिए। गेहूं में पहला सिंचाई और खाद का प्रयोग 21 से 25 दिन के अंदर जरूर कर ली है। गेहूं में दूसरी बार यूरिया बाली निकले से ठीक पहले कर ले के हैं, जो कि बुआई से 60 से 65 दिन के दिन पर कराए के हैं। खाद डालने से पहले सिंचाई जरूर करें, नमी है तो हल्की सिंचाई करें। गेहूं में समय से खाद पानी देला से गेहूं में कल्ला भी ज़्यादा आते, उसमें बाल भी ज़्यादा आते, यदि बाल ज़्यादा होता है तो उसमें दाना भी अच्छा होता।